नमस्कार दोस्तों, फाइटर मूवी के बाद साउथ इंडस्ट्री से भी एक एरियल एक्शन फिल्म आने वाली है जिसका नाम है ऑपरेशन वैलेंटाइन। इस फिल्म का नाम वैलेंटाइन डे के ऊपर रखा गया है, पर उसके बावजूद भी इसके अंदर लव स्टोरी नहीं बल्कि इसमें हमें जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा और इसके अंदर भी एरियल एक्शन मतलब के फाइटर प्लेन के साथ एक्शन देखने को मिलेगा। यह साउथ की तेलुगु भाषा की फिल्म होने वाली है और इसीलिए ऑपरेशन वैलेंटाइन मूवी को फाइटर मूवी के कुछ ही दिनों बाद रिलीज करने जा रहे हैं और कुछ दिनों पहले ही ऑपरेशन वैलेंटाइन डे का टीजर भी रिलीज कर दिया गया था। तो चलिए आज हम देखते हैं आखिर मूवी में क्या होने वाला है। दोस्तों, ऑपरेशन वैलेंटाइन मूवी की कहानी की बात करें तो आखिर इसके अंदर हमें क्या स्टोरी दिखाई जाने वाली है। तो ऑपरेशन वैलेंटाइन मूवी के अंदर भी स्टोरी देशभक्ति के ऊपर ही फोकस करने वाली है और अभी तक यह तो कंफर्म नहीं किया गया है कि यह फिल्म किसी रियल लाइफ स्टोरी पर आधारित है या फिर नहीं। इसका टीजर देखने के बाद इतना पता चलता है कि सबसे पहले कोई आतंकवादी ग्रुप भारत के ऊपर हमला करता है और भारत की कई जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट करता है और इस आतंकवादी ग्रुप को खत्म करने के लिए भारत उनके ऊपर एयर स्ट्राइक करने का फैसला लेता है और फिर भारत के कुछ जवान निकल जाते हैं एयर स्ट्राइक करने और फिर कैसे यह फाइटर जेट प्लेन से उन सभी आतंकवादियों को खत्म कर देते हैं और उनको खत्म करने के बाद इनका क्या नुकसान होता है और क्या यह सभी बचकर आ पाते हैं या नहीं, आपको ऑपरेशन वैलेंटाइन मूवी के अंदर देखना होगा। ये दोस्तों, ऑपरेशन वैलेंटाइन मूवी का टीजर तो बहुत ही बेहतरीन निकल गया था। वैसे तो यह एक कम बजट की फिल्म होने वाली है पर उसके बावजूद भी बहुत से कमाल के शॉट्स आपको ऑपरेशन वैलेंटाइन मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले है। यह तो नहीं कहा जा सकता है कि ऑपरेशन वैलेंटाइन मूवी का VFX और CGI टॉप लेवल का है, पर जितना भी दिखाया गया है वो इम्प्रेसिव है और एक कम बजट की फिल्म होने के बावजूद भी इतना अच्छा काम करके दिखा देना एक बहुत बड़ी बात होती है। ऑपरेशन वैलेंटाइन मूवी के डायरेक्टर शक्ति प्रताप सिंह है और अब इन्होंने इससे पहले कौन सी फिल्में बनाई है इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, पर इस फिल्म के अंदर उनका काम अच्छा लग रहा है और ऑपरेशन वैलेंटाइन मूवी का टीजर देखने के बाद तो हम यह कह सकते हैं कि यह फिल्म एक अच्छी फिल्म निकल कर आने वाली है। ऑपरेशन वैलेंटाइन मूवी के डायरेक्टर शक्ति प्रताप सिंह है और ऑपरेशन वैलेंटाइन सोनी इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट बैनर के अंदर बनाई जा रही है और उसी के साथ इसके प्रोड्यूसर नंद कुमार अभिनयनी और गोल्ड ब्लैक्स एंटरटेनमेंट भी होने वाले है। और ऑपरेशन वैलेंटाइन मूवी की कास्ट के अंदर हमें लीड रोल में वरुण तेज और फीमेल लीड के अंदर मानुषी छिल्लर देखने को मिलने वाली है और इसी के अलावा अभी तक बाकी कास्ट का खुलासा नहीं किया गया है। इस फिल्म का नाम ऑपरेशन वैलेंटाइन इसलिए रखा गया है क्योंकि यह फिल्म वैलेंटाइन डे के वीकेंड पर रिलीज होगी। ऑपरेशन वैलेंटाइन मूवी की रिलीज डेट 16 फरवरी रखी गई है और यह वक्त होने वाला है जब दुनिया भर में वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा होगा। वैसे तो यह एक एरियल एक्शन फिल्म है पर इसके अंदर मुझे लगता है थोड़ी बहुत लव स्टोरी भी दिखाई जा सकती है और इससे कुछ दिनों पहले ही 25 जनवरी को फाइटर मूवी भी रिलीज हो चुकी है जो एक एरियल एक्शन फिल्म है, पर उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखाया। तो दोस्तों, आपको ये रिव्यू देखने के बाद क्या लगता है, फाइटर से भी अच्छी कमाई करेंगी या नहीं, ये हमें कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी लिख के बताएं। मैं फिर से मिलूंगा अगले वीडियो में बॉलीवुड का तड़का लगाने के लिए। तो आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।